कानपुर पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कानपुर सिग्नेचर ग्रीन बस अड्डे का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए बस अड्डे को चालू किया गया है। यहां से हर प्रदेश के लिए बस मिलेंगी। वहीं उन्नाव हादसे के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि अब यूपी में किसी और प्रदेश की अनफिट बसें नहीं चलेंगी। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों की अनफिट बसें यूपी की सड़कों पर चलती हैं, जिससे हादसे होते हैं। इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब चालक के साथ साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। 3 बार चालान होने के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। आज सिग्नेचर बस अड्डे का आज से संचालन प्रारंभ हुआ। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। कानपुर निवासियों के लिए ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और यहाँ से देश के हर कोने में बस जाएंगी। अयोध्या, काशी, मथुरा और बाकी दिल्ली और भी बाहर और स्टेटों में भी, हरिद्वार, देहरादून, हर जगह की बसें अब यहाँ जाएंगी। वहाँ से यहाँ बसें आएंगी। यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा इससे जो है आवागमन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। लगातार आप परिवहन विभाग को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से उन्नाव का हादसा हुआ उसके बाद से एक आप खुद चेकिंग के लिए उतरे, सड़कों पर उतरे, जिस तरह से आपने चेकिंग करी, कुछ बसों को पकड़ा, कितनी बसों को आपने कार्रवाई की? देखिए, बहुत सारे बसें जो है दूसरे स्टेट की बसें वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अभी आज ही जो है 1.5 दर्जन बसें सीज की गई हैं केवल मेरे द्वारा। वो बसें नागालैंड की हैं, अरुणाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन है, बिहार का रजिस्ट्रेशन है और चलाते हैं उत्तर प्रदेश में। न उनका फिटनेस हम लोग कर पाते हैं मेरे अधिकारी, क्योंकि बस जाती नहीं वहाँ पे। तो अभी उस ऐसे बसों को सीज किया गया है। ये लगातार अभियान चलता रहेगा। अब बिना फिटनेस का, बिना इंश्योरेंस का, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई बस को हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। और जो लोग इतने कई बार चलान होने के बाद भी बस को चला रहे हैं, जो फिटनेस नहीं उसको भी चला रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं उसको भी चला रहे हैं, अब केवल ड्राइवर कंडक्टर पर नहीं, अब मालिक पर कार्रवाई होगी। कल हमने जो है मालिक पर FIR कराया कि इतने बार गाड़ी चलान हुई, गाड़ी फिटनेस नहीं थी, आप फिर भी आप चला रहे हैं तो अपराधी आप हैं। तो अब सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिस रास्ते से गुजरेंगी गाड़ियाँ, यदि बार बार कोई एक दिन गुजर गई कोई बात नहीं, लेकिन कोई गाड़ी बार बार गुजरेगी तो टोल से उसके फोटोग्राफ मिलेंगे और टोल से लेने के बाद हमारे अधिकारी यदि उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो ऐसे अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। बिहार की गाड़ियाँ खासतौर से देखी गई जो अनफिट आ रही है, आपको लगता है कि वहाँ की राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए इस तरफ, क्योंकि यूपी में अधिकतर एक्सीडेंट ही नहीं गाड़ियों से? बात की जाएगी। हम अब ये भी नियम हम कर रहे हैं कि 3 बार चलान होने के बाद उस गाड़ियों को हम जो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देंगे। जो दूसरे स्टेट की होगी तो उस स्टेट को चिट्ठी भेजेंगे कि ये गाड़ियों को आप इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त करिए, क्योंकि वो सड़क पर नहीं चलेंगे। जो जांचें हुई है, जांच में क्या लगता है आपको कि यूपी के परिवहन की जितनी भी गाड़ियां थी वो फिट है, बाहर के प्रदेशों की जो आ रही है वो? देखिए, ऐसा नहीं है बाहर और इसके नहीं है, लेकिन बाहर का रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ गाड़ी चलाते हैं वो फिटनेस नहीं कराते, लेकिन ऐसे गाड़ियों को अभियान चला करके उनको पकड़ा जाएगा और सीज किया जाएगा। ठीक। कानपुर पहुंचे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री ने कानपुर सिग्नेचर ग्रीन बस अड्डे का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए बस अड्डे को चालू किया गया है। यहां से हर प्रदेश के लिए बस मिलेंगी। वहीं उन्नाव हादसे के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि अब यूपी में किसी और प्रदेश की अनफिट बसें नहीं चलेंगी। बिहार, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों की अनफिट बसें यूपी की सड़कों पर चलती हैं, जिससे हादसे होते हैं। इनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और इन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब चालक के साथ साथ गाड़ी मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। 3 बार चालान होने के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।